प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान अगले कुछ दिनों में होने वाला है, लेकिन इससे पहले सियासी मुलाकातों के दौर भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुलाकात की है, जिसके बाद चुनाव से पहले भी बीजेपी और सुभाषपा गठबंधन की अटकलें शुरू हो गई हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लगातार जो है आप जिस तरीके से मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुलाकात होती रहती है, आज कोई नई मुलाकात नहीं हुई है। आज रामनवमी है तो इसलिए अलग मुलाकात है, मुलाकात होती ही रहती है। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप देखते हैं, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। 18 में से 16 निकाय में हमारे पास है, 160 नगर पालिका में से 200 में से 160 मेरे ही पास है। इस समय हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजभर जी, जिस तरीके से लगातार आपकी नज़दीकियाँ बीजेपी से बढ़ रही हैं, आज भी दयाशंकर जी से आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक मुलाकात चली, क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले समय में आम चुनाव को लेकर एक गठबंधन बन सकता है? शिष्टाचार मुलाकात है हमारी, हम भी जाते रहते हैं, वो भी आते रहते हैं। उनकी पार्टी अपनी अलग पार्टी, हमारी अपनी अलग पार्टी है, और वो भी एक ही जिले के हम भी हैं, वो भी हैं, वो मंत्री हैं, हम विधायक हैं, तो हम लोग कुछ बिंदुओं पर लेके मिलते रहते हैं। कुछ काम अपना होता है, कुछ उनका विचार विमर्श, और कोई बात नहीं। राजनीतिक गलियारे में एक बात चल रही है कि आपने कहा है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी अच्छी पार्टियां एक हो। नहीं, हमने जो तीसरा फ्रंट बनाने की बात हो रही है, तो बिना वोट वाले का गठबंधन अखिलेश जी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट वाले के यहाँ क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये गुमराहियत का काम बंद करें। बिना वोट वालों से यूपी में जो लोग वोट नहीं दिला सकते उनसे गठबंधन करके वो किसको धोखा देना चाहते हैं, इस बात के लिए मैं बोलता हूँ। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, उनके बगला खाने करके नोटिस भी आ गया है, और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार एक सत्याग्रह आंदोलन कर रही है, किस प्रकार से देखते हैं आप? कि मेरा घर जला मेरे ही चिराग से, 2013 में जब कानून आया तो सभी विपक्षी पार्टियां चाहती थीं कि इस कानून में संशोधन हो, लेकिन राहुल जी ने उसका समर्थन किया और आज उसी कानून के चपेट में राहुल जी भी आ गए। सर, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि निकाय चुनाव आप अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि आपका जो वोट बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, निकाय चुनाव एक शहरी चुनाव है, तो कितनी ये योजना आपकी होगी, रणनीति होगी कि निकाय चुनाव में अधिक से अधिक आपकी पार्टी जो है सीटें हासिल कर सके? नगर पंचायत 7 सीट नगर पंचायत अकेले अपने दम पर जीतते हैं, चाहे देवरिया की लार हो, चाहे बलिया की बांसडी हो, चाहे इस तरह की जो सीटें हम लोग खुद जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि शहरों में हम लोगों के वोट नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा चुनाव के बाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव जो है सुभाषपा अकेले दम पे लड़ेगी और इसका रिजल्ट जो है सबके सामने चुनाव के बाद होगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चा की बैठक हुई है, इस बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शामिल हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि गांव-गांव चलो घर घर अभियान शुरू किया गया था, जिसकी लॉन्चिंग 6 अप्रैल को हरियाणा के मानेसर से जेपी नड्डा ने करने वाले थे। इसी अभियान के तहत हम यूपी 15,000 गाँव और 762 नगर निगम नगर पंचायत और सम्मिलित करते हुए ओबीसी मोर्चा इस अभियान को 6 अप्रैल से गांव-गांव और घर घर ले जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से एक बहुत बड़े अभियान को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, जिसके माध्यम से गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान को लिया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के 15,000 गाँवों में घर घर जाकर अपने हैंडबिल के माध्यम से, अपने पोस्टर के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों के बीच में जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ
जो विपक्ष का षड्यंत्र है, कई बार जाति जाति खेलने का, कई बार धर्म के आधार पर गुमराह करने का, पिछलों को वोट बैंक समझने का, तो हम पिछले समाज के लोगों को विपक्षियों के षड्यंत्र से सचेत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और सरकार की उपलब्धियों के साथ जोड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।